hello everyone welcome back to your own channel at saral psychology in today's video we are going to discuss about a vacancy which is from institute of human behavior and allied sciences and there is a lot of vacancy for the assistant professor and additional professor and uh, here we are going to discuss about the ninth vacancy which is for the post of the professor uh, in clinical psychology and the number of post is 1 for uh, which is for general category एंड द पे स्केल यू गेट इज़ अबाउट वन लैख फोर्टी एट थाउजेंड टू हंड्रेड से ले कर टू लैख एलेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड दैट पोस्ट इज़ रेगुलर बेस्ड पोस्ट मीन्स पॉमनेंट पोस्ट ठीक है इसके साथ में ही हम देखेंगे यहाँ पर ट्वेंटी टू नंबर का पोस्ट ठीक है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी है एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी अंडर क्लिनिकल साइकोलॉजी इसमें टू वैकेंसीज़ हैं वन फॉर दी जनरल एंड वन फॉर दी ओबीसी ओके सो ये है आपका इसमें पे आप स्केल uh, आपका रहेगा वन लैख फिफ़्टीन थाउजेंड एंड वन लैख फिफ्टीन हंड्रेड एंड आपका वन लैख फिफ्टीन हंड्रेड से लेके स वन लैख सिक्सटी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड रेगुलर बेसिस पे ये आपकी जॉब है परमानेंट जॉब है ठीक है इसके साथ में ही हम यहाँ पर देखेंगे uh, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी जो कि पी डब्ल्यू डी कैटेगरी के से बिलोंग है और यहाँ पे वन पोस्ट है फॉर जनरल कैटेगरी ठीक है यहाँ पर पे स्केल आपको मिलेगा वन लैख फिफ्टीन हंड्रेड से लेके कर वन लैख सिक्सटी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड ये भी रेगुलर बेस्ड का आपका परमानेंट जॉब रहेगा ठीक है सो अप्लाई करने के लिए आपको पर्टिकुलरली साइट पर जाना होगा अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सो so वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और उसे आ, मतलब वहाँ पर आपको सेंड करना है ठीक है तो एक डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होगा ठीक है थाउजेंड रुपीज़ का जो कि एस सी और पी कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम्टिड है फीस ठीक है तो ये पर्टिकुलर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है साथ में अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आप फिल करेंगे जो कि इसी पी के डिस एंड में दिया हुआ है ठीक है और ये पी आपको कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको साइट से बताऊँगी ठीक है सो so, ये है अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी है फ़ाइव ईयर्स का ठीक है जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो होता है ओबीसी के लिए फ़ाइव ईयर्स एस सी एस टी और उस उनके लिए सेवन ईयर्स तो इस तरीके का आपका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपका रिलैक्सेशन है ठीक है और आपको पर्टिकुलरली डिमांड uh, ड्राफ्ट जो आपको बनवाना है वो बनवाना है इन फेवर ऑफ डायरेक्टर इबास ठीक है और आपको पर्टिकुलर भेजना कहाँ पर है दोनों एप्लीकेशन फॉर्म और डिमांड ड्राफ्ट आपको भेजना है वन सेकेंड जहाँ पर लिखा है द एप्लीकेशन ड्यूली फिल्ड इन अलॉन्ग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बट मस्ट रीच टू ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ठीक है डायरेक्टर के ऑफिस में इबहास दिलशाद गार्डन डेली वन वन जीरो जीरो नाइन फाइव विद इन थर्टी डेज के अंदर आपको भेजना है ठीक है तो ये पर्टिकुलर साइट से आप डाउनलोड डाउनलोड कर सकते हैं अभी मैं भी आपको बता दूंगी ठीक है uh, एंड यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं जो नॉन मेडिकल वाली फील्ड है ठीक है जैसे आप मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका सीरियल नंबर किस में आ रहा है ठीक है तो जैसे हम देखते हैं कि वन एट वन से लेके एट तक टेन से लेके ट्वेल्थ तक और फिफ्टीन से लेके ट्वेंटी वन और ट्वेंटी सिक्स मेडिकल डिसिप्लिन में आते हैं ठीक है ठीके? तो इस तरीके से आप चेक करोगे ट्वेंटी टू और ट्वेंटी सेवन और नाइन आपका आ रहा है साइकोलॉजी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए तो हम अगर देखें नॉन मेडिकल डिसिप्लिन से तो एजुकेशन और क्वालिफिकेशन जिस तरीके से यहाँ पर दिए हुए हैं नॉन मेडिकल डिसिप्लिन के लिए उसमें एज लिमिट है आपका फिफ्टी ईयर्स ठीक है क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ठीक है मीन्स मास्टर्स डिग्री आपको चाहिए ठीक है पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए मास्टर्स डिग्री या एम या एम से ठीक है इसके साथ ही आपके पास पी होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी प्लस आपके पास टेन इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें चार साल का जो एक्सपीरियंस है वो टीचिंग का एक्सपीरियंस हो ठीक है बाकी एक्सपीरियंस रिसर्च फील्ड का हो सकता है ठीक है सो so ये पर्टिकुलरली आपके लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपने डिसिप्लिन का ठीक है क्लिनिकल साइकोलॉजी का मैंने बता दिया है एंड जो भी रेलिवेंट चीज़ें हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ये पर्टिकुलर आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको मैं टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूँगी इसके साथ में ही आपको मैं ये डिस्क्रिप्शन uh, में भी लिंक मैं अभी बता देती हूँ आपको कैसे कैसे आपको कहाँ से डाउनलोड करना है ठीक है तो साइट पर चलते हैं साइट पर ही आपको ये सब मिलेगा ठीक है तो साइट पर चलते हैं तो ये पर्टिकुलर आपकी साइट है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी यहाँ पर जो आपको पहला लिंक दिखेगा न्यू वाला ठीक है जिसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर वेरियस फैकल्टी पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इसी पी को आपको डाउनलोड करना है और इसी पी के एंड में आपको मिल जाएगा आ, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इसके साथ में आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है ठीक है जो भी मैंने डिटेल्स बताई हैं उनके नेम पे ठीक है और सेंड करना आपको भेज देना है वो थर्टी डेज़ के अंदर अंदर पहुंच जाना चाहिए ठीक है इभास ठीक है सो ये पर्टिकुलर आपका नोटिफिकेशन था ठीक है चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा एंड थैंक यू सो मच